एक और क्वेश्चन आपके लिए, स्मॉलेस्ट बनाना है, समय से स्मॉलेस्ट बताएंगे, विच इज स्मॉलेस्ट सॉल्व कर लेंगे। सर 5 की पावर 10। सर 5 की पावर 10। यार तुम्हारे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। 3 की पावर 2 ऊपर है 10। 5 की पावर, ये तो पहले ही 10 है, ये तो ऐसे ही रखते 3 10 13 और 4 10 14। तो 3 की पावर 2 3 3 9, ये 5 के 10, ये 7 7 7 3 43 के 10, ये 2 5 6 के 10। स्मॉलेस्ट बताना है, तो स्मॉलेस्ट तो हमारा यही है 5 की पावर 10। सब में 5 है क्योंकि स्मॉलेस्ट, तो आंसर इज 5 की पावर। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर, बहुत ही बढ़िया, गुड परफॉर्मेंस। और अगर मैं पूछना चाहूँ आप में से, कनिका कौशिक, पुष्पल यादव, समर्थ, निष्ठा, क्लियर होगा बेटा ये या नहीं हो? यस सर। इन तीनों में से बताएंगे लार्जेस्ट कौन सा, सर 4 रेस्ट पावर 100। सर 4 रेस्ट पावर 100। फिफ्टी पावर पहले से 50 है, ये भी 50 पावर है, तो 9 के 50, ये 2 के 50 और ये 4 4 16 की पावर, तो सबसे बड़ा तो 16। परफेक्ट आंसर है, बहुत बेटर। ये टाइप भी भाई आप सबकी समझ में आ गई है, और अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। देखो मेरे भाई 5 3, इनमें से कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट बताओ, बस ये तीन ही टाइप है, ये तीनों टाइप समझ आ गए ना, ये क्वेश्चन कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। स्मॉलर और लार्जर के तीन तरीके से पूछे जाते हैं, और ये दूसरा मेथड आपको मैं सिखा रहा हूँ, फर्स्ट आपने सीख लिया और इसके बाद एक लास्ट तरीका वो आपको पहले से आता है। ऐसी तीन ही मेथड, रूट 5 रूट फोर और रूट फाइव आपके आंसर आए हैं अभी, चलो सॉल्व करते हैं। देखो आप ये जो 2 है ये 3 है, जिसके बाद कुछ नहीं होता ना उसके बाद 2 होता है। आप ये बता सकते हैं जो ये भाग 2 3 और 2 है इसका एलसीएम कितना होगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर? 6। तो आपको सबके बाहर 6 बनाना है। इस 2 को 6 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3। तो ये जो अंदर है ना इसकी पावर भी आपको 3 करनी पड़ेगी। इस 3 को 6 बनाने के लिए कितने से करूं? 2। तो इसकी पावर भी 2 बननी पड़ेगी। इसको 6 बनाने के लिए इसकी पावर भी आपको 3 करनी पड़ेगी। अब बाहर तो सबके 6 ही होगा, ये 125 होता है, 4 4 16 होता है, और ये 125, तो सबसे बड़ा कौन सा है? अच्छा 2 सेम ही दे दिए आपको, हाँ तो दोनों तो सेम ही है, यही होंगे बड़े, 2 तो सेम ही है, 2 में तो कोई चेंज ही नहीं। एक क्वेश्चन और देता हूँ,
सॉल्व करेंगे भाई, लार्जर बता दो इसमें, लार्जर रूट फाइव, रूट फाइव किसका है भाई? सर समर, ओ किसमर, जिसके बाद कुछ नहीं होता टू होता है। अब थ्री टू फोर का एलसीएम आपका कितना होता है? ट्वेल्व होता है ना भाई, इसका एलसीएम ट्वेल्व बार बार वालों का। तो इसको ट्वेल्व बनाने के लिए फोर से करेंगे, अंदर भी पावर फोर। इसको ट्वेल्व बनाने के लिए सिक्स से करेंगे, अंदर भी आंसर पावर सिक्स। इसको ट्वेल्व बनाने के लिए थ्री से करेंगे, अंदर भी पावर थ्री। तो 10 की पावर 4 होता है 1, 2, 3, 4। 5 की पावर 6 क्या होता है? 15625। और ये कितना होता है? 8 होता है। अब इनमें से सबसे बड़ा तो यही है ना, तो ये है रूट फाइव। बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अब जो मैंने आपको पहले कराया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करके देखते हैं आपको कितना याद है। आप मुझे बताएंगे बच्चे, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया रिस्क, कोड दिया आपको IRHP, तो आप लाभ का कोड बता सकते हैं। जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपको लास्ट से लास्ट क्लास में एक बार लर्न भी कराए थे आपको, सर OZFPS। बहुत ही बढ़िया बेटा। देखो बेटा, ये आपको पहले भी याद कराया था मैंने कि अपोजिट हो रही है, एस का एच है, पी का के है। ऐसे बेटा जब आप इनके अपोजिट वर्ड, आपको मैंने कुछ कोड भी बताए थे याद करने के लिए। और अगर मैं पूछना चाहूंगा वनिष्का से, या वनिष्का के पास नेटवर्क में इशू है, यशराज चौहान, समर्थ, कपिल भट्ट, बेटा क्या कोड बताया था आपको याद करने के? अपोजिट जैसे बेटा शर्ट है, तो शर्ट का बताया था रिस्पेक्ट, शर्ट जी को आप बहुत प्यार करते हो। आप पीके आमिर खान की मूवी देखने गए पीके, और उसके बाद आपने एक DW याद किया, एक FU याद किया। एस का उल्टा एच होता है, आई का आर होता है, टी का जी होता है, एल का ओ होता है, वी का ई होता है, पी का के, डी का डब्ल्यू। अब ये एल है, तो एल का ओ होगा, ए का जेड होगा, एबीसी तो सबको याद रहती है, एबीसी एक्स वाई जेड। यू एफ होगा फ्यू में, जी टी होगा शर्ट जी में, एच पैस होगा। तो ये इसका आंसर। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? सर मुझे कुछ समझ नहीं आया सर, मेरे को समझ आया। अच्छा, किस किस को समझ नहीं आया? कुछ भी, एक तो कपिल भट्ट को नहीं आया समझ, और किसको नहीं आया बेटा? गीता अरोड़ा को नहीं आया। और बेटा देखो बेटा, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। बेटा जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, पहला अक्षर, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। तो बेटा इस तरीके के कुछ कोड दे देते हैं जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। सपोज करो आपको रीजनिंग में पेन का कोड दे दिया, तो पेन का कोड होता है KVN। और आपसे पूछ लिया कि आप कॉपी का कोड बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका आपको कोड बताया शर्ट जी, लव, पीके, फ्यू, और ये आपका हो गया DW।
ऐसे आप कुछ कोड याद कर लो। अब सी है, सी का तो आपको पता है एक्स होता है, ओ है, ओ का आपको पता है एल होता है, ये रहा ओ का एल, पी है, पी का आपको पता है पी के होता है, वाई है, वाई का आपको पता है बी होता है, बाई से भी याद कर सकते हैं, बाई बाई का, तो एक्स एल के बी, ये आंसर हो गया। अब आया समझ में नहीं, गीता रोडा एंड और किसको नहीं आया था सर? मेरे पास से पूरा कोड ही नहीं है इन सबके, तो क्या दें कपिल भट्ट आपको? सर मेरे पास कोड ही नहीं है इनके, कोड नहीं है सर? नहीं सर, कल ही तो आया हूँ मैं, हमारे पास भी नहीं है। और किसके पास नहीं है? हमारे पास किसके पास नहीं है भाई? मेरे पास नहीं है। क्या नाम है आपका? सही सर, मेरे पास भी नहीं है कपिल भट्ट। अरे बेटा ये होते ही नहीं किसी के पास। अरे बेटा ये रहेंगे कहाँ से, तो याद करने होते हैं। जैसे फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, अब आप कहोगे फॉर्मूले हमारे पास नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ये बेटा रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये आपको। चलो मैं और दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, और इस बार मैं बात करता हूँ कपिल भट्ट से। कपिल भट्ट मेरी वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। कपिल भट्ट जैसे रीजनिंग में आया भाई आपने, कैट का कोई भी कोड दे दिया एक्स जेड और जी, आपसे पूछेंगे कि आप डॉग का बताओ, डॉग का, तो ये आपको अपने आप ही आइडिया लगाना है कि ये सी का एक्स से क्या रिलेशन है, ए का जेड से क्या रिलेशन है, टी का जी से क्या रिलेशन है, ये आपका दिमाग अपने आप ही घूमना चाहिए। आपको अगर ये पता ये सारे उल्टे हैं तो आप डॉग को भी उल्टा करोगे, डी का डब्ल्यू, एल का ओ, शर्ट जी, टी का जी, ये आंसर होगा। चार ऑप्शन देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अपने आप ही बताओगे कि 2 4 6 8, अगले डिजिट कौन सी आएगी भाई कपिल भट्ट? अब ये अब किसी ने दिया आपको इसका कोड क्या है, दो दो का डिफरेंस है, किसी ने बताया आपको दो दो का डिफरेंस है या नहीं बताया, ये बताओ। मैंने तो नहीं बताया ना, आपका दिमाग अपने आप काम किया ना कि 10 आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन रीजनिंग इसी को बोलते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे दिया आपको, मैंने क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे 8 27 64, और आप में से पूछा मैंने नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। अब मैंने तो नहीं बताया भाई, तो मैं 125 कैसे आएगा, तुमने कैसे आंसर दे दिया भाई? भाई क्यूब है ना सबका सर। हाँ तो 2 का क्यूब है ये, 3 का क्यूब है ये, 4 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125। ऐसे रीजनिंग में दिमाग लगाना होता है। जैसे सपोज करो एक ऐसे भी क्वेश्चन आते, देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन ऐसा आया यहाँ पे लिख दिया मैंने आर ओ ए एस टी, रोस्ट का कोड क्या दिया है देखो, एस पी बी टी यू, और आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि बताओ ब्रेड का कोड क्या होगा। अब ये दिमाग आपने अपने आप ही लगाना है कि ये रोस्ट और ये क्या रिलेशन है भाई इसमें, ऊपर वाले में वही ब्रेड से आपने रिलेशन लगाना। क्या आंसर होगा बेटा बताओ? CSFBE आगे FBE। हाँ भाई ये शिराज, नहीं नहीं समझ आ रहा इसका ऊपर वाले का क्या रिलेशन है इसके साथ, नहीं नहीं पता चल रहा ना कुछ भी? सर आ रहा है, आ रहा है तो बताओ बेटा फिर। निष्ठा आ रहा है बेटा समझ में? निष्ठा आपको तो आ रहा होगा, आपको तो पहले भी बताया बेटा, है ना? हाँ शाबाश बेटा, आपको तो पहले भी करवाया। उज्जवल यादव, दीपक, यस यस सर हो गया, आ रहा है मेरे को। हाँ शाबाश बेटा आ रहा है, तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, समझ आ रहा है। तो देखो आपको बताया अगर आर से आप अगला अक्षर देखोगे एबीसीडी में एस होता है, ओ से अगला अक्षर एबीसीडी में पी होता है, ए से अगला बी होता है, एस से अगला टी, टी से अगला यू, तो ऐसे ही इन्होंने भी आगे कर दिया, बी से अगला ए बी सी क्यू आर एस ए बी सी डी ई एफ, ए के बाद बी और डी के बाद ई, तो आ गया आपका आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका, ठीक है ना?
ये सब देखना होता है, इसी को रीजनिंग बोलते हैं। अब रीजनिंग में अपोजिट अगर आ जाएगा तो आपने खुद ही दिमाग लगाना है। अपोजिट एबीसीडी याद करने के लिए ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ऐसे आप सारे तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए मैंने ये अपनी तरफ से एक बनाया है कि शर्ट जी कि एस का उल्टा एच होगा, आई का आर होगा, टी का जी होगा, लव प्यार, एल का ओ होगा, जी का ई होगा। तो ऐसे हमने बनाया, मैं नहीं तो एम का उल्टा एन हो जाएगा, मैंने नहीं, एम का फ्यू एफ यू। तो इस तरह के हमने कुछ आपको बताए, पीके मूवी से याद करा दिया, पीके मूवी होगा, डी डब्ल्यू सुनने में एक जैसा। अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आए कि जैसे आ गया आपका रिस्क, रिस्क का ऑर्ड दे दिया आपको आई आर एच पी, और आपसे पूछा गया पी ए आई डी, पेड़ का कोड क्या होता है, सर के जेड आर डब्ल्यू, के जेड आर डब्ल्यू, डबल पी का उल्टा ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, डी का उल्टा डब्ल्यू, बिल्कुल सही है बेटा। जैसे ये भी सी डी अपोजिट है, ऐसी है क्योंकि पी का के अभी बताया था, ए का जेड, एस एच आई आर और डी का डब्ल्यू। तो अब मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा आप में से कि गीता अरोड़ा, आपको समझ आ रहा है बेटा कुछ, गीता अरोड़ा? यस सर। ठीक है, और एक एक और किस बच्चे ने बोला था सर के ऊपर से जा रहे भाई, हाँ भाई कपिल भट्ट, आपको आ रहे भाई? अब समझिए सर, अब समझ आ रहा सर। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा ये है ना, आपने ऐसे बेटा ये लर्न करने हैं आपने, आपको तो लर्न ये भी करना है ए कौन से नंबर पे आएगा, बी कौन से पे, सी कौन से पे, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया एक क्वेश्चन, बी L A C K, और ये दे दिया 2 1 11, और आपसे पूछ लिया वाइट का कोड क्या होगा। तो आपको ये पता है B का दूसरा नंबर होता है ABCD में, L का 12 होता है 12वां नंबर, A का फिर पहला नंबर होता है, C का ABC तीसरा होता है, K का 11 है। ऐसे आपको WHIT का याद करना है क्या होगा। अब अगर मैं इसमें से कुछ अक्षर आपको याद करा देता हूँ तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। आप बता सकते हैं एबीसीडी में डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है? जैसे डब्ल्यू 23 पे होता है। एच बता सकते हैं, एच कौन से पे आता है? एच 8 9 20 20 5। तो बेटा इसका ये कोड आएगा, अगर ब्लैक का कोड ही है तो व्हाइट का ये होगा, नोट डाउन कर सकते हैं आप जल्दी से। शायद ये भी नोट डाउन हो गया होगा सबका, आगे देखेंगे भाई। देखो कुछ मैंने आपको फॉर्मूलेज एक बार याद कराए थे, मैं चाहूंगा आप उनको मेरे को सुनाए, आपको याद आया नहीं है। जैसे मैंने अगर आपको एक दिया 1+2+3 up to 20 तक, इसका फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा, इसको प्लस करने का फॉर्मूला भी नहीं पता किसी को भी याद नहीं है निष्ठा? वो लास्ट वाले डिजिट में से सर हाफ करके फिर आगे वाला प्लस करना है सर, 10 into 11 हो जाएगा। हाँ बेटा फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ, n into n+1 word। जैसे लास्ट डिजिट 20, n 20+1 21/2 करोगे तो आंसर आएगा 20। अब जैसे 1+2+3 up to 10, इसका फॉर्मूला बताएंगे और आंसर बताएंगे तो क्या आएगा इसका? 55। हाँ, n into n+1 by 2 है ना, इसलिए आपने फॉर्मूले लर्न करने, बच्चे घर से याद करेंगे, n into n+1 by 2 करेंगे तो 55 आएगा। अब जैसे एक फॉर्मूला आपके में स्क्वायर वाला, 1 square 2 square 3 square up to 10 square, इसका फॉर्मूला याद है भाई किसी को? नहीं है याद,
इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स. एन की जगह टेन लास्ट डिजिट पुट करनी है, जैसे टेन, टेन प्लस वन इलेवन, टू टेन जा ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन बाय सिक्स, और कैंसिल करेंगे थ्री टू जा थ्री सेवन जा टू फाइव जा, तीनों को मल्टीप्लाई किया थ्री एटी फाइव. सेम क्वेश्चन वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू फाइव स्क्वायर तक. एक और क्वेश्चन वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू ट्वेंटी स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, जैसे आप घर से सॉल्व करेंगे तो इनको. अब एक और फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ क्यूब वाला, वन की क्यूब टू की क्यूब थ्री की क्यूब. इसका फॉर्मूला बता सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होगा क्यूब वाले का? एन इंटू एन प्लस वन बाय टू पूरे का होल स्क्वायर. तो एन इसमें भी टेन ही रखना है आपने. फॉर एग्जाम्पल टेन, टेन प्लस वन इलेवन बाय टू का स्क्वायर टू फाइव जा, और फिफ्टी फाइव का स्क्वायर आ गया आपका थ्री जीरो टू फाइव. इसके भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वन की क्यूब टू की क्यूब अप टू फाइव की क्यूब, वन की क्यूब टू की क्यूब थ्री की क्यूब अप टू ट्वेंटी की क्यूब. ये भी आप होमवर्क में करके मुझे सेंड करेंगे. अब एक क्वेश्चन मैं अपने सामने आपसे सॉल्व कराना चाह रहा हूँ. जैसे क्यूब वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, वन के क्यूब टू के क्यूब थ्री के क्यूब और अप टू मैंने दिया अगर आपको सिक्स की. एक बार होमवर्क से हाँ एक बार इसको सॉल्व करो बेटा, पहले करो एक बार इसको सॉल्व इट योरसेल्फ. सर फोर फोर वन शिद का है. बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया. तो बस ये फॉर्मूले आपने लर्न करने दोबारा से. मैं फॉर्मूले आप किसके आवाज आई थी फॉर्मूले होमवर्क के लिए? आपकी आवाज आई थी किसी की भाई? क्या होमवर्क क्या था? देखो बेटा होमवर्क ये है, अपनी तरफ से कोई भी डिजिट बनानी है और क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर लिया आपने. ठीक है, बस लास्ट के डिजिट चेंज कर रहे हैं. लास्ट में टेन है, टेन का एट बना लो, सेवन बना लो. अब ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टेन, तो फॉर्मूला रखना आपने एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स. ये स्क्वायर का फॉर्मूला होता है. एक क्यूब का फॉर्मूला है आपका, वो भी आपने सॉल्व किया, एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर. इनमें से कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाना है तो बताओ, और अगर अपने आप होमवर्क कर लोगे तो वो बताओ. अपने आप होमवर्क कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का? यस सर. यस सर. यस सर. अब बेटा ये जो 10 की डिजिट है ना, इसमें हर एक क्वेश्चन में एक डिजिट लास्ट में 5 ले लो, एक 6 ले लो, एक 7 ले लो, एक 20 ले लो. अब ये आपके 1 2 3 4, अगर चार इसके क्वेश्चन करोगे, चार इसके और चार इसके, तो आपके 12 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक 10 वाला आपके सामने. तो 16 क्वेश्चंस का ही आपका होमवर्क होगा बेटा. ठीक है, बस 10 की जगह लास्ट में किसी में 5 ले लो, किसी में 6, किसी में 7 और एक में 20. ये डिजिट बस लास्ट का डिजिट चेंज कर दिया. क्लियर कर लोगे होमवर्क आप लोग? नोट डाउन कर लो एक बार. यस सर. यस सर. ठीक है, तो बेटा फिलहाल के लिए इतना ही है, और आप ये होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे. ठीक है बेटा, और ये नोट डाउन कर लो सारा, नेक्स्ट क्लास में फिर. ओके बाय बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम.